हेलो दोस्तों, आज हम करने वाला है एक युद्ध ओप्पो का A1K के साथ और वीवो का Y91i। दोस्तों दोनों ही अपने अपना एक बजट सेगमेंट फोन है। आज करेंगे हम इन दोनों के कंपैरिजन, जानेंगे कि इन दोनों में से बेस्ट बजट सेगमेंट फोन कौन सा है। दोस्तों अगर आप इन दोनों का अनबॉक्सिंग देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जरूर चेकअप कीजिए। मेरा नाम है राहुल, आप देखिए टेकर अनबॉक्सिंग। चलिए करते हैं कंपैरिजन। अगर बॉक्स के ओवरऑल की बात करें तो ओप्पो का बॉक्स के आगे दिया गया है ओप्पो A1K, एक क्वाटर टॉप डिस्प्ले दिया गया है। अगर की अगर फीचर की बात करें तो यहाँ लिखा गया 15.5 सेंटीमीटर का एक वाटर प्रूफ स्क्रीन, 4000 mAh की बैटरी, 32 GB की रोम और कलर वाइज 6 जो लेटेस्ट वर्जन है बेस्ट ऑन एंड्रॉइड 9.0, 2 GB रैम और 32 GB की इंटरनल मेमोरी, कलर है ब्लैक। दोस्तों अगर बात करें वीवो की तो इसमें अगर बॉक्स की ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ दिया गया 32 GB की इंटरनल मेमोरी, वाटर प्रूफ डिस्प्ले, बिगर बैटरी, मोर फन, और यहाँ फुल भी डिस्प्ले, बिगर बैटरी, 13 MP का क्लियर कैमरा दिया गया इसका। इसमें जो कलर है वो है ओशन ब्लू। चलिए दोनों बॉक्स को करते हैं फटाफट ओपन, देखिए दोनों में क्या कॉमन है। दोनों में एक एक बॉक्स दिया गया ऊपर में। चलो अगर ओप्पो की बात करें तो ओप्पो में दिया गया एक बैक केस और एक वारंटी कार्ड कुछ डॉक्यूमेंटेशन। बैक केस अच्छा बैक केस है, इतना भी खास नहीं, पर बजट फोन के हिसाब से ठीक ठाक है। और अगर वीवो की बात करें तो वीवो में एक बैक केस दिया गया अंदर में, इसमें एक सेम इसी तरह का बैक केस दिया गया जो कि वक्त सब पीला पड़ता जाएगा, बहुत पीला, बहुत पीला, बहुत ज़्यादा पीला हो जाएगा दोस्तों। और कुछ गारंटी कार्ड दिया गया, यहाँ भी जाएगा कुछ IMEI नंबर और दिया गया दोनों का फोन। और फोन को करते साइड में दोनों एक एक बॉक्स दिया गया अंदर में, इसमें एक IMEI नंबर, ये IMEI नंबर सॉरी, इसमें दिया गया सिम जिटर पॉइंट, इसका भी एक सिम जिटर पॉइंट दिया होगा जी हाँ, यहाँ दिया गया इसका सिम जिटर पिन दिया गया इसका, इसका इधर दिया गया। अगर दोनों के चार्जर की कंपेयर करें तो दोस्तों दोनों में सेम चार्जर दिया गया 5V 2A, इसका भी 5V 2A चार्जर दिया गया दोनों का, आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं केबल कौन सा दिया गया है दोनों में, कॉमन है बहुत सारा इसमें। USB to Micro USB दोनों में सेम दिया गया दोस्तों, दोनों सेम ही सेम हर चीज़ दिख रहा है इसका। चलिए फ़ोन को फटाफट बाहर निकालते हैं, वीवो ओप्पो। दोस्तों अगर आप कलर की बात करते हैं, ये ब्लैक कलर और ये ओशन ब्लू। दोस्तों अगर ओप्पो की बात करते हैं, यहाँ एक मेट फिनिशिंग दिया गया आप देख सकते हैं, और जो वीवो की बात करें यहाँ एक ग्लेटिन फिनिशिंग दिया गया, बहुत शाइनी बनाया है, पर ओप्पो का कोई शाइनी नहीं है, एक नॉर्मल सा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक फॉर्मल सा देख सकते हैं, फॉर्मल लुक बनाया गया है इसका, और इसका बहुत ग्लोसी सा लुक बनाया गया है। अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो राइट में दिया गया है एक पावर बटन, इसमें एक वॉल्यूम का की भी दिया गया है वीवो में, और ओप्पो में दिया गया लेफ्ट में। और अगर ऊपर की बात करें, ऊपर दोनों में कुछ नहीं दिया गया है, और नीचे में देखें तो स्पीकर, 3.5 ऑडियो जैक, चार्जिंग पोर्ट और माइक। चलिए दोस्तों दोनों फोन को करते हैं फटाफट बूट और जानते हैं दोनों के इंटरनल स्पेक्स के बारे में कि कैसा दिया गया दोनों का, क्या क्या सिमिलरिटीज दी गई दोनों। बात करते हैं अगर इसके डिस्प्ले की, दोस्तों इसमें ओप्पो में दिया गया 6.1 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले, और वीवो में दिया गया 6.22 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले। दोनों में IPS डिस्प्ले दिया गया, पर वीवो का थोड़ा ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले दिया गया, ओप्पो का थोड़ा छोटा देखने में लगता है कि थोड़ा छोटा बड़ा दिया गया दोनों में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दोनों के सेटिंग की तरफ, देखते हैं और क्या क्या कॉमन दिया गया दोनों का सेटिंग में, अबाउट फोन और इसका अबाउट फोन। दोस्तों अगर पहले ओप्पो की बात करते हैं, ओप्पो को दिया गया कलर OS 6 जो कि लेटेस्ट है, एंड्रॉइड वर्जन 5 दिया गया इसमें आउट ऑफ द बॉक्स। और अगर वीवो की बात करें, वीवो दिया गया फन टच OS, इसका एंड्रॉइड वर्जन दिया गया है ओरियो, अपडेट शायद काफ़ी जल्दी आ जाएगा। और अगर बड़े इसकी जी रैम की तरफ, तो रैम दिया गया इसका 2GB, इसका भी रैम दिया गया 2GB, इसका इंटरनल मेमोरी दिया गया 32, इसका भी इंटरनल मेमोरी दिया गया 32, दोनों सेम सेम दिया गया। अगर सिक्योरिटी फैसिलिटी की बात करें तो ओप्पो का दिया गया 5 मार्च का, और दोस्तों वीवो का दिया गया है सिक्योरिटी फैसिलिटी जी हाँ दोस्तों, इसका भी 5 मार्च का दिया गया, दोनों का सेम दिया गया सिक्योरिटी फैसिलिटी। दोस्तों अगर प्रोसेसर की बात करें तो दोनों में सेम प्रोसेसर दिया गया, मीडियाटेक हीलियो P22 जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, दोनों में सेम प्रोसेसर है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और अगर बैटरी की बात करें तो ओप्पो में दिया गया है 4000 mAh की बैटरी, और दोस्तों वीवो में दिया गया है 4030 mAh की बैटरी, थोड़ा ज़्यादा बैटरी दिया गया है इसका।
अगर कैमरा की बात करें तो दोस्तों ओप्पो का फ्रंट कैमरा दिया गया 5 मेगापिक्सल का और वीवो का फ्रंट कैमरा दिया गया 8 मेगापिक्सल का। और अगर ओप्पो के बैक कैमरा की बात करें तो इसमें दिया गया 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा विद एलईडी फ्लैश और वीवो का दिया गया 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा विद एलईडी फ्लैश। दोस्तों मैंने दोनों का अनबॉक्सिंग किया है तो दोस्तों आप एक बार अनबॉक्सिंग जरूर देख लेना क्योंकि मैंने वहाँ पर भी आपको कैमरा दिखाया गया है। मैं भी यहाँ पे कुछ कुछ सैंपल्स देता हूँ, चलिए चेक करते हैं कि दोनों का अगर कंपेयर करें तो उनमें जीतता कौन है। दोस्तों अगर बैक कैमरा की बात करते हैं, आप जानते हैं कि वीवो में 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया, ओप्पो में 8 मेगापिक्सल। दोस्तों डिटेलिंग दोनों की काफ़ी शानदार है, आप देख सकते हैं दोनों का डिटेलिंग काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों कलर कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों वीवो का कलर काफ़ी अच्छा है। मेरा जो डेस्क का कलर है ऑरेंज कलर, वीवो आप देख सकते पूरा लाइट ऑरेंज कलर लिया गया है और ओप्पो में थोड़ा सा इसमें लाइट कर दिया, पता नहीं क्यों, आप देख सकते हैं। और मैंने एक और सैंपल लिया फोटो का, आप देख सकते हैं ये रहा ओप्पो का। दोस्तों डिटेलिंग दोनों की काफ़ी अच्छी है पर दोस्तों कलर कॉम्बिनेशन की वीवो में थोड़ा अच्छा है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो ये ओप्पो का है एक पोर्ट्रेट मोड, पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छा किया, आप देख सकते हैं डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है इसका। इसका फ्रंट कैमरा है आपका 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और वीवो का जो है वो है 8 मेगापिक्सल का। तो वीवो का डिटेलिंग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिटेलिंग है इसका, तो 8 मेगापिक्सल का कैमरा तो डिटेलिंग तो अच्छा हो गई इसका। और दोस्तों ये एक फेस ब्यूटी है, काफ़ी अच्छा फेस ब्यूटी किया। दोस्तों अगर कैमरा की बात करें तो कैमरा में बैक कैमरा का टक्कर दोनों ने दिया है पर दोस्तों वीवो का अगर मेगापिक्सल ज़्यादा दोस्तों तो कलर कॉम्बिनेशन भी इसका अच्छा दिया गया है। तो दोस्तों कैमरा के मामले में दोस्तों वीवो विन करता है दोस्तों, क्योंकि मेगापिक्सल ज़्यादा है तो दोस्तों ऑब्वियस से बात है थोड़ा अच्छा फोटो जरूर लेगा। वीवो ओप्पो का मेगापिक्सल थोड़ा कम दिया गया है। दोस्तों अगर सिक्योरिटी की बात करें तो दोनों में दोस्तों फेस लॉक दिया गया है और मैंने दोनों का फेस लॉक रजिस्टर कर दिया। चलिए एक बार चेक करते हैं कि कौन सा ज़्यादा फास्ट काम करता है। दोस्तों एक बार चेक करते हैं, मेरे पकड़ने में थोड़ा दिक्कत। दोस्तों दोनों ही काफी अच्छा काम कर रहे हैं पर ओप्पो सा जल्दी फास्ट खोल रहे हैं लॉक। दोस्तों ओप्पो का थोड़ा फास्ट मुझे लगा, जी हाँ दोस्तों ओप्पो का थोड़ा फेस लॉक थोड़ा फास्ट है अगर वीवो से कंपेयर करें तो। वीवो का थोड़ा सा स्लो है, वो थोड़ा रिकॉग्निशन में टाइम लगता है, मैंने जब अनबॉक्सिंग किया तभी बताया था। तो दोस्तों ये शायद अपडेट आने के बाद ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसकी प्राइसिंग की तरफ। तो दोस्तों दोनों का प्राइसिंग सेम है 7,990 रुपीज, जो कि दोनों बजट फोन है अपने अपने कंपनी का, जैसे ये ओप्पो का बजट फोन है, ये वीवो का बजट फोन है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। दोस्तों अगर कंक्लूजन के ऊपर बात करें तो दोस्तों इस बार वीवो विन किया है और ओप्पो लूज किया, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे इसमें पॉइंट आ जाता है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों डिस्प्ले, इसका है 6.1, इसका है 6.2 इंचेस, तो अभी सर डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है इसका और दोस्तों देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों इसका बैक, इसका दिया एक मैट फिनिश ऊपर, दोस्तों इसका दिया गैटिन फिनिशिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग लगता है। इसका भी दोस्तों अच्छा प्रीमियम सा फील लगता है पर दोस्तों इसका भी इसका जो अगर साइज बढ़ा तो दोस्तों पकड़ने में काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। इसका एक कर्व सा डिज़ाइन दिया गया है कॉर्नर में जो कि दोस्तों काफ़ी प्रीमियम बनाता है फ़ोन को। तीसरा पॉइंट जैसे बात करें दोस्तों कैमरा, वीवो का कैमरा ज़्यादा दिया गया, बैक कैमरा दिया गया 13 मेगापिक्सल, इसका दिया 8, इसका दिया फ्रंट 5, इसका दिया फ्रंट 8। दोस्तों कैमरा भी इसमें आता है और दोस्तों लास्ट में आता है इसका बैटरी, हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पर दोस्तों डिफरेंस तो है। इसमें 30 mAh का इंक्रीज है, इसमें 4000 mAh की बैटरी, इसमें 4030 mAh की बैटरी है, तो दोस्तों बैटरी के थोड़ा तो ज़्यादा होता है दोस्तों। ओके दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई भी नया कंपैरिजन चाहिए या कुछ भी डाउट हो दोस्तों कमेंट करें, कमेंट बॉक्स आप लोगों ने रखा है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।